अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन अग्रवाल समाज की तरफ से हुआ हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन, जहां पर मशहूर कवि डॉक्टर अनामिका जैन और कवि सौरभ जैन के साथ अन्य कवि पहुंचे, तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में सावित्री जिंदल ने कार्यक्रम में शिरकत की। सावित्री जिंदल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होने जरूरी हैं, तो वहीं उन्होंने बताया कि मैंने चुनाव लड़ा था जिसमें मेरा साथ मेरे परिवार के लोगों ने दिया था और आज़ाद चुनाव लड़ा था, और अब जो मुझे काम करवाने हैं, मैं बीजेपी को समर्थन दिया है, सरकार को दिया समर्थन, ताकि काम करवा सकूं और विकास हो सके, हम आगे बढ़ सकें। आपको बता दें कि करनाल अग्रवाल समाज की तरफ से करनाल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर कवि पहुंचे थे, जिन्होंने आज हॉल में बैठे सभी लोगों को कविताएँ सुना सुनाकर हास्य कवि नेताओं के नाम पर तो कभी किसी चीज़ के नाम पर, तो अभी अलग अलग अंदाजों में कवियों ने आज शाम अपनी कविताओं के माध्यम से समा बांध दिया। तो वहीं करनाल की पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता, करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, जिला अध्यक्ष ब्रज गुप्ता ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और साथ ही साथ कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होना जरूरी है, ताकि जो तनाव इंसान के जीवन में चल रहा है, उस तनाव से इंसान बच सके और हास्य का होना हमारे जीवन में अत्यंत जरूरी है। जी, आज अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन ने मुझे यहाँ बुलाया और हास्य कवि सम्मेलन है, मुझे करनाल आके बहुत अच्छा लगा। आप भी देख रहे हैं कितना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। इसका मतलब क्या है अतिथि देवो भव? बोले हम आजाद उम्मीदवार लड़े आप, फिर भाजपा में आए, तो क्या कहेंगे? पहली भाजपा में देखिए, बिल्कुल आजाद उम्मीदवार लड़ी, मेरे साथ परिवार ने मेरा चुनाव लड़ा, वो लोग मुझे चुनाव में लेकर आए और उन्होंने मेरा चुनाव भी लड़ा। अब बात यह है कि मुझे अपने शहर के काम करवाने हैं, हरियाणा का विकास करवाना है, मैंने ज्वाइन कर लिया, समर्थन दिया हरियाणा सरकार को। सम्मेलन में पहुंचे आज मेरे करनाल वाले भाइयों ने बुलाया है यहाँ पर, मुझे आके यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ पर आज इसमें आज तक कभी सम्मेलन में आई हुई हूँ। परिवार मेरा परिवार है, परिवार के बीच में आगे बहुत अच्छा लगा।